Hello students, so today we are going to taking question answers of conservations and preservations of resources. ये lesson के हम question answer देखेंगे, textbook के जो है वही देखेंगे. Okay? जो page number 89 पे है, जैसे कि choose the correct alternative from the option given below to answer the following question. That is in page number 89. Textbook के हाँ वो देख रहे हैं हम लोग टेक्सटबुक के पेज नंबर 89 के. इन टू हाउ मेनी मेजर ग्रुप रिसोर्सेस आर डिवाइडेड. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन टू हाउ मेनी मेजर ग्रुप्स रिसोर्सेस आर डिवाइडेड. आंसर इज आपको आंसर यहाँ पे दिया है ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 5. जो मेजर ग्रुप्स है रिसोर्सेस के वो कितने हैं, वो तो 2 है, तो 2 पे टिक मार्क करना है. ओके, ऐसे आपको टिक मार्क करते जाना है. ओके, और वो नोटबुक में भी ये लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मीन्स ऑफ इरिगेशन. ये अभी मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ. मीन्स ऑफ इरिगेशन कौन से हैं, तो आंसर क्या आएगा, मीन्स ऑफ इरिगेशन वेल है, कैनल है, लेक है. इरिगेशन के मीन्स कौन से हैं, तो ये सब है, सब इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आंसर आएगा ऑल. तो आपको ऑल पे टिक मार्क करना है जो डी ऑप्शन है. ओके, जो डी ऑप्शन है. नेक्स्ट थर्ड वन इज Which of the following word is found in the desert of Kutch? Kutch में कौन सा word मिलता है देखने के लिए? Words of Kutch desert. So answer आएगा, of course flamingo. So जो B option है उसे आपको tick mark करना है. Flamingo. Understand? एंड द लास्ट वन इज फ्लेमिंगो. बी को टिक मार्क करना है यहाँ पे, ए को टिक मार्क करना है, ऑल को टिक मार्क करना है डी में, यहाँ पे बी में फ्लेमिंगो को टिक मार्क करना है, जो टेक्स्ट बुक में भी है. ओके, टेक्स्ट बुक में नीचे पेज नंबर 89 पे है. बस आपको टिक मार्क करना है और नोटबुक में बाद में लिखना. व्हिच स्पेशियस एनिमल्स इज फाउंड इन लद्दाख. आई थिंक आई हैव मिस वन. मैंने थर्ड वाला मिस किया है. ये फोर्थ का आता है बर्ड ऑफ फ्लेमिंगो. जो थर्ड है यहाँ पे लिखे हुए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर आर द फॉरेस्ट मेनली फाउंड इन इंडिया. फॉरेस्ट ज्यादा कहाँ पे मिलते थे. फॉरेस्ट found in India. So answer is Andaman Nicobar. So C is correct answer. Andaman and Nicobar. Okay, C correct answer है, उसे tick mark करना है. Understand? And fifth, last one is Which special animal is found in Ladakh? So, कौन सा special animal है जो लद्दाख में मिलता है, वो है याक. तो fifth का answer करो. Animal in Ladakh is
answer is A. Yeah. ये आपको आपको टिक मार्क करना है. अंडरस्टैंड. सो हमने ये अभी अल्टरनेटिव जो दिए हैं उसे करेक्ट अल्टरनेटिव हमें चूज करना था. तो हमने सेकंड इसका जो है इनटू हाउ मेनी मेजर ग्रुप्स रिसोर्सेस आर डिवाइडेड. तो फर्स्ट का आंसर टू है, सेकंड का है ऑल, इसका है फ्लेमिंगो, थर्ड का है अंडमान निकोबार, फोर्थ का है फ्लेमिंगो एंड फिफ्थ का है या. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है आंसर इन फॉलोइंग इन वन सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर टू, ये साइड दिख रहा है ब्लैक बोर्ड का. Answer the following in one sentence. First question is, what do the people of Sahara cultivate? What do the people of Sahara cultivate? Sahara के people क्या cultivate करते हैं वो answer लिखना है. So people of Sahara Desert grow date, palm and wheat. So write down answer. ओके, पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट ग्रो डेट पाम एंड वीट. सो फर्स्ट आंसर इज डन. नाउ नेक्स्ट वन वी गोइंग टू कंटिन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम गिवन अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक ग्रेवल्स एंड क्ले. इसका मैं डायरेक्टली आंसर देती हूँ, सेकेंड का आंसर, बिकॉज मैंने डिक्टेट किया है. वॉट इज द नेम गिवन टू द अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ रॉक ग्रेवल एंड क्ले. ओके, मैं लिख के भी देती हूँ, क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ रॉक ग्रेव एंड क्ले.
rocks. Gravels. Fables. Clay. Particle. Keys. Known as. So answer is Robo Leap. So ये जो है वो मेन आंसर है, Robo Leap. ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चंस का ही पूरा सेंटेंस है. ओके, रोगोली भी याद रखना है. वॉट इज द नेम गिवन टू द अर्थ क्रस्ट मेड ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक, ग्रेव्स एंड क्ले. थर्ड वन है विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, विच यू ऑलरेडी नो, रेन, राइट? विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, थर्ड वन. वीट. Answer is so easy. The main source of water is rain. Okay, the main source of water is rain. So these are three questions we have taken. नेक्स्ट जो है दो क्वेश्चन वो भी अभी ले रही हूँ. ओके, इसके बाद जस्ट कॉपी. सो गोइंग टू टेक नेक्स्ट वन. Which animal is on verge of extinction that is found in river of Gujarat? So answer is the animals found on verge of extinction in rivers of Gujarat is waterfowl, that is called otter. So I'm going to be left with the next question. Question number 1, 2, 3 done. Going to take 4th and 5th, okay? Which animal is on the verge of extinction that is found in the गुजरात के रिवर में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उसका नाम हमें लिखना है. उसका नाम है ऑटर फाउल, भी उसे बोलते हैं वाटर फाउल. सो राइट इन फुल सेंटेंस द एनिमल फाउल on verge of extinction in the river
of Gujarat. वॉटरफॉल और ऑर्डर्स भी बोलते हैं, हाँ ये कॉमा में लिखा है, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी गोइंग टू सी द फिफ्थ वन, लास्ट वन. व्हिच रीजन्स ऑफ इंडिया इज नॉन फॉर स्मॉल टिबेट. ओके, व्हिच रीजन is known as small Tibet. Small Tibet किसे बोला जाता है? Which region को? So answer is the cold region, desert regions of Ladakh. सो आंसर है कोल्ड रीजन्स लद्दाख. लद्दाख में उसे हम स्मॉल टिबेट बोलते हैं. अंडरस्टैंड? सो वी हैव डन आवर वन सेंटेंस. आंसर द फॉलोइंग वन सेंटेंस. उसके 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हो गए. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द शॉर्ट नोट्स. डेजर्ट ऑफ कच्छ. Short notes called Desert of Kutch, preservations of water resources, land resources, desert of Ladakh, conservations and preservations of wildlife. ये आपको सभी टेक्सटबुक में मिलेंगे, टेक्सटबुक के हेडिंग में ही इसके आंसर से. तो शॉर्ट नोट्स में टिक कराऊंगी और थोड़ा सा रीड करके एक्सप्लेन कराऊंगी. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट दिस वन, आंसर इन वन सेंटेंस. ये आपको पहले कंप्लीट करना है. नेक्स्ट वी गोइंग टू टेक द शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में थर्ड नंबर पे है. राइट अ शॉर्ट नोट्स. क्वेश्चन 3. सो फर्स्ट डिक्टेशन करवाऊंगी, जिसके पास बुक नहीं है फटाफट रेडी कर लें. पेज नंबर 89 पे टेक्स्ट बुक के. पेज 89 पेज पे आपको रन ऑफ कच्छ जो है वो ही है क्या? डेजर्ट ऑफ कच्छ. ओके,
सो उसके आपको कौन से पॉइंट लिखना है, जैसे कि द डेजर्ट ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ गुजरात, ये एक मेन पॉइंट है. पाकिस्तान लाइज टू द वेस्ट ऑफ कच्छ डेजर्ट एंड राजस्थान लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इट. इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, लिटिल रन एंड द ग्रेट रन ऑफ कच्छ. दिस एरिया इज नोन एज हैव फॉर्म ड्यू टू द लिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. दिस डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ थार डेजर्ट विच इज लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. व्हाइट डेजर्ट इज ऑल्सो लोकेटेड हियर. द क्लाइमेट हियर इज हॉट एंड ड्राई. ओके, ये आप लाइन लिखना है. उसके बारे में आपको फ्लोरा और फौना भी लिखना है, दो लाइन्स, और फॉक लाइफ दो लाइन्स. ओके, ऐसे रन ऑफ कच्छ आपको कंप्लीट करना है. गेट इट? तो टेक्स्ट बुक का रन ऑफ कच्छ फुल पॉइंट लिखना है. ये इसमें आएगा. नेक्स्ट है उसका फ्लोरा एंड फौना, मतलब उसमें कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, और फॉक लाइफ. इसमें से कोई भी दो टू लाइन इंपॉर्टेंट, टू लाइन्स इसकी, टू लाइन्स इंपॉर्टेंट इसमें देती हूँ, अभी डिक्टेट करती हूँ. सो यू कैन राइट फ्लोरा एंड फौना, ये पॉइंट में आप लिख सकते हो. द पानी एरिया इज, इतना ही नहीं लिखना है, मैं जो डिक्टेट कर रही हूँ वो भी लिखना है आपको. ओके, जैसे कि रन ऑफ कच्छ में अभी मैंने क्या डिक्टेट किया, कि द डेजर्ट ऑफ कच्छ, ये पूरा पैराग्राफ मैंने डिक्टेट किया, पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको. फ्लोरा एंड फौना में द बानी एरिया इज लोकेटेड इन द डेजर्ट ऑफ कच्छ, इसमें दो लाइन्स लिखना है. वराइटी ऑफ ग्रास एंड थॉर्नी श्रब्स आर फाउंड हियर टू प्रिवेंट द एडवांसिंग डेजर्ट ऑफ कच्छ वाइल्ड एगेसियन ट्री हैव बीन प्लांटेड. आप इतना तक लिख सकते हो, और इसका मेन जो पॉइंट है वो भी लिखना है. फ्लेमिंगो इज फाउंड इन द लार्ज डेजर्ट ऑफ कच्छ, ये भी इसमें आएगा. फ्लेमिंगो इज फाउंड द लार्ज डेजर्ट ऑफ कच्छ. ओके, नेक्स्ट है आप फॉक लाइफ, इसकी लिख सकते हो. उसमें आप लिखोगे तो ये सभी इसमें ही आते हैं. ओके, डेजर्ट फॉक लाइफ ऑफ कच्छ इज डाइवर्स. फॉक लाइफ कैसी है, डाइवर्स है. इतने ही पॉइंट, मतलब इसके अंदर पॉइंट्स लिखने हैं आपको. इसमें थ्री लाइन्स, फोर लाइन, इसमें टू, इसमें टू, ऐसे मिला कि इसका आंसर बनेगा. इतना ही शॉर्ट बोला है तो इतना ही नहीं लिखना है. ओके, द फॉक लाइफ ऑफ कच्छ इज डाइवर्स. इसमें दो पॉइंट ये आएंगे कि ये जो फॉक लाइफ है बहुत डाइवर्स है. द पीपल, रेयर एनिमल्स लाइक शीप, गोट, काउ, बफेलो, कैमल्स, डोंकी. पीपल इन द कोस्टल एरिया गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम शिपिंग, फिशिंग, श्रिम्स फार्मिंग. ड्यू टू डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, डेट, पोमीग्रेनेट, कोकोनट एंड कुल्ची केसर मैंगोज आर ऑल्सो ग्रोन इन सम एरिया. द मेन क्रॉप हियर इज मिलेट. ओके, मेन क्रॉप कौन सा है, मिलेट. तो इसमें टू थ्री लाइन्स है. ऐसे मिलकर हमें ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करना है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी गोइंग टू सी प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस. ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, इसमें क्या कौन से पॉइंट आएंगे. प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस मतलब वाटर रिसोर्सेस का प्रिजर्वेशन कैसे करना है. ये आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर, वाटर के बारे में ना, 82 में मिलेंगे. मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस मतलब ये क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस. ये आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 82 में मिलेगा आंसर. ओके, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 82 में आंसर है, लास्ट पैराग्राफ में. ओके, ये नहीं लिखना है. उन्होंने क्या पूछा है, प्रिजर्वेशन मतलब उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे. तो हमें क्या लिखना है, लास्ट वाले जो लाइन, ये लास्ट वाला फुल पैराग्राफ है, ये लिखना है. तो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, ध्यान से देखो. टुडे अनलिमिटेड, उन्होंने सिर्फ वाटर रिसोर्स को मेंटेन कैसे करना है वो लिखा है. तो पहले इंट्रोडक्शन के लिए दो पॉइंट्स लिख
लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टुडे अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल, पॉल्यूटेड वाटर इज ग्रेट प्रॉब्लम, सो प्रेडेंट यूज ऑफ वाटर एंड मेजर टू मेंटेन इट इज वेरी नेसेसरी, वाटर इज आवर शेयर रिसोर्सेस, फॉर वाटर प्रिजर्वेशन कॉमन रेमेडी शुड बी डन नेसेसरी सच एज बिल्ड मोर एंड मोर रिजर्वर, मेक एफर्ट टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर लेवल अप, हार्नेशिंग फ्लोइंग रिवर वाटर, मेजर शुड बी टेकन टू स्टॉप एंड कलेक्ट रेन वाटर सच एज कंस्ट्रक्शन डैम, रिचार्ज वेल, फार्म पॉन्ड एक्सेट्रा. अपार्ट फ्रॉम दिस bring awareness and increase public participation in water conservation. Water should be used sparingly in garden and toilet. Protect reservoir and river from pollution. Unit which use groundwater should be monitored. These all प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्स में आएंगे, ये आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82 में लास्ट में मिलेगा. ओके, ये वाला कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको लास्ट में यहाँ पे मिल रहा है. आपको सिर्फ ये पूरा पैराग्राफ फोर पैराग्राफ कॉपी करना है. गेट इट? सो वी हैव फाइंड आंसर टू ऑल्सो. नेक्स्ट वी गोइंग टू सी थर्ड वन. Land resources. Okay, third one is land resources. Land resources का आपको textbook में page number 81 में मिलेगा answer. आंसर आपको पेज नंबर 81 में मिलेगा, जो सॉइल फॉर्मेशन से वही पूरा आंसर है. लैंड रिसोर्सेस, यहाँ पे आप टॉपिक देख पा रहे हो लैंड रिसोर्सेस. आई एम गोइंग टू डिक्टेट नाउ. ओके, ये आपको पूरा पैराग्राफ और पीछे के दो तीन पॉइंट आपको लिखना है. आपको सिर्फ लैंड रिसोर्सेस के बारे में पूछा, टाइप नहीं पूछा है, तो बस आप इतना ही लिखोगे. ओके, 1 2 3 4 जो फोर लाइन है लास्ट पैराग्राफ की वो लिखेंगे. जैसे कि I am going to dictate you. The upper layer of earth is surface on which vegetation usually grow is called soil. The soil is thin layer made up of many particles on the earth crust. Small and large piece of rock, gravels, clay, organic silts are called regolits. In it, organic element, air, water are mixed and soil is formed. In context to farming, the economic development of any country depends on द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ सॉइल इट हैज. अंडरस्टैंड? तो आपको लैंड रिसोर्सेस में ये पॉइंट लिखने हैं, हाँ, जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 81 पे है. तो लास्ट होल पैराग्राफ आपको लिखना है लैंड रिसोर्सेस के बारे में. प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस में पेज नंबर 82 में है. डेजर्ट ऑफ कच्छ पेज नंबर 89 पे है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर.